जुम्बा और तांत्रिक। नई नई जगहों पर जाना और नई नई खोज करना जुम्बा का सबसे पसंदीदा काम था। एक दिन वो ऐसे जंगल में जा पहुंचा जहां पहले कभी नहीं गया था। वो वृक्षों पर लटकती लताओं द्वारा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक छलांगे लगाते हुए अपना रास्ता तय कर रहा था कि तभी उसकी निगाहें वृक्ष पर लटकी एक मानवाकृति पर पड़ी। वो आकृति किसी व्यक्ति की लग रही थी और वृक्ष की मोटी शाखा में उसकी बेल्ट अटक गई थी। जुम्बा की निगाहें नीचे की तरफ घूमी तो उसकी नजर एक खूंखार चीते को उस आकृति की ओर ललचाई दृष्टि पर पड़ी, जो उस पर झपटने को तैयार था। अब तो तुम गया काम से। जुम्बा तुरंत नीचे कूदा और अपनी कमर में खूंसा हुआ शिकारी चाकू निकालकर चीते की तरफ झपट पड़ा। चीते ने बौखलाकर जुम्बा की तरफ छलांग लगा दी। जुम्बा फुर्ती से एक और हट गया। तब तक जुम्बा ने उछलकर चीते को अपनी टांगों में दबा लिया और वार करने लगा। अचानक चीता उसकी पकड़ से छूटकर भाग निकला। पेड़ पर लटकी वो आकृति ये सब देखकर थर थर कांप रही थी। जुम्बा ने पेड़ पर चढ़कर उसको नीचे उतारा। भले मानस इस घने जंगल में पेड़ पर इस तरह लटक कर तुम क्या कर रहे थे? जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तुम ना होते वो खूंखार जानवर मेरी बोटी बोटी खा जाता। उसकी जनानी आवाज को सुनकर, है तुम लड़की हो? हाँ मैं लड़की हूँ। मेरा नाम मारिया है। मेरे पिता प्रोफेसर नाइजिल एक पुरातत्ववेत्ता है। कुछ महीने पहले वे जंगल में कुछ खोज करने आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। ओह, और तुम अकेले अपने पिता को ढूंढती हुई इन घने जंगलों में आ पहुंची? अब मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम जो हो मेरे साथ। बाय द वे तुम कौन हो? जंगल का बेटा जुम्बा, मारिया एकाएक खुश होते हुए बोली। ओह तब तो मेरे पिता अवश्य मिल जाएंगे। तुम्हारी चर्चा तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। तुम मेरी मदद करोगे ना? तुम इस जंगल में अकेले पहुंची कैसे? मेरे साथ मेरा मंगेतर रॉबिन भी था। हम दोनों अपनी हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए थे। हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी आने से वो नीचे की तरफ गिरने लगा। रॉबिन ही हेलीकॉप्टर चला रहा था। उसने मुझे पैराशूट पहनाकर कूद जाने के लिए कहा और मैं कूद गई। हमारा हेलीकॉप्टर जंगल में ही कहीं पड़ा होगा। चलो तब ढूंढते हैं तुम्हारी हेलीकॉप्टर और तुम्हारे मंगेतर को। वो दोनों आगे बढ़ गए। कुछ ही दूरी पर एक मैदान में उन्हें दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ा। वो देखो वहाँ शायद तुम्हारी ही हेलीकॉप्टर है। चलो देखे तुम्हारे मंगेतर को। दोनों हेलीकॉप्टर के पास पहुँच गए। मारिया बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। ओ गॉड, रॉबिन सुरक्षित हो? हेलीकॉप्टर तो सुरक्षित उतर गया है पर वो कहाँ गया? ये देखो ये तलवार और चश्मा रॉबिन का ही है क्या? हाँ हाँ ये सामान तो उसी का है पर वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो दोनों रेत पर पड़े निशानों को देखते हुए आगे बढ़ गए। दरअसल रॉबिन उस समय एक उजाड़ से खंडर में कैद था। उसे एक खम्बे में बांध दिया गया था। उस स्थान पर रॉबिन की रखवाली के लिए एक आदमी और औरत भी मौजूद थे। आदमी ने एक विचित्र सी पोशाक पहनी हुई थी और उसके सामने तांबे का एक बहुत बड़ा पात्र रखा था जिसमें आग जल रही थी। वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ रहा था। आखिर तुम लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तुम्हें यहाँ एक खास मकसद से लाए हैं हम। मैं यहाँ का वजीर सुलेमान हमीद हूँ। तुम्हें यहाँ की महारानी के सामने राजकुमार अमरेंद्र के रूप में पेश करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपनी असली पहचान भुलानी होगी। ये हामिद एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। ये सम्मोहन की विधि से तुम्हें सम्मोहित कर देगा, फिर तुम वही करोगे जो ये कहेगा। मुझे छोड़ दो, मैं राजकुमार नहीं बनना चाहता। तुम वही करोगे जो हम चाहते हैं। हामिद ने उस पर अपनी तांत्रिक क्रियाएं करनी शुरू कर दी। कुछ देर में ही रॉबिन उनके सम्मोहन में फंस गया। तब उस औरत ने उसे राजसी वस्त्र पहनाए। अब तुम राजकुमार अमरेंद्र हो और इसी रूप में महारानी के समक्ष पेश होकर उससे बात करोगे।
तुम उसके पति हो ना? हाँ, मैं राजकुमार अमरेंद्र हूँ। वो पूरी तरह सम्मोहन में था। उस स्त्री का नाम ताहिरा था। वो और हामिद एक दूसरे को पसंद करते थे। वो रॉबिन को राजकुमार अमरेंद्र के रूप में साथ लेकर महल के प्रवेश द्वार पर पहुंची। महारानी को खबर दे दो, ताहिरा राजकुमार अमरेंद्र के साथ आई है। ठीक है, मैं अभी खबर करता हूँ। द्वारपाल ने महारानी को जैसे ही खबर दी, महारानी ने उन्हें बुला लिया। दोनों महारानी के कक्ष में पहुंच गए। महारानी चंद्रलेखा स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर राजसी थाट बाट के साथ बैठी हुई थी। उनके समीप ही उनके शेर बैठा हुआ था, जिसके सिर पर उनका बायां हाथ रखा हुआ था। आओ प्रिय दासी ताहिरा, क्या तुम मेरे राजकुमार को ले आई? हाँ महारानी, उसने बड़े आदब से कहा। बहुत जल्दी तुम्हारा अंत होने वाला है, फिर इस सिंहासन पर मेरा अधिकार होगा। दूसरी तरफ जुम्बा मारिया के साथ रॉबिन को ढूंढते हुए भटक रहा था। पहाड़ियों की भयवता देखकर, जुम्बा ये पहाड़ियाँ तो बड़ी रहस्यमय लग रही है। हाँ, लगता है इस जगह कोई नहीं आता। तभी जुम्बा की निगाहें सामने से आते कुछ सशस्त्र सैनिकों पर पड़ी। जब तक वो संभलते, उन सैनिकों ने उन्हें अपने घर में ले लिया। जुम्बा ने अपने शिकारी चाकू निकाल लिया और मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। उन लोगों में घनघोर युद्ध हुआ। अचानक एक व्यक्ति ने निहत्थी खड़ी मारिया के गर्दन से तलवार लगा दिया। ए अजनबी, तलवार फेंक दो, वरना यह लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। जुम्बा ने मारिया की जान बचाने के लिए तलवार फेंक दी। सैनिकों ने उन दोनों को बंदी बना लिया, उनके हाथ बांध दिए और उन्हें राजमहल ले जाने लगे। हमारे इलाके में अनजान लोगों का प्रवेश वर्जित है। तुम लोगों ने यहाँ आकर घोर अपराध किया है। अब हमारी महारानी चंद्रलेखा ही तुम्हें दंड देंगी। ऊंची पहाड़ियों पर शीश महल जैसे चमकते उस भव्य महल को देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। सैनिकों ने उन दोनों को हामिद के सुपुर्द करते हुए, ये दोनों हमारे इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें भी उसी प्रोफेसर वाले कैदखाना में डाल दो, इनसे बाद में मिलता हूँ। सैनिकों ने दोनों को अमरेंद्र बने रॉबिन को सम्मोहिनी संकेत करने शुरू कर दिए।
अमरेंद्र अपनी तलवार उठाओ और महारानी को खत्म कर दो। सम्मोहन ने अपना काम किया और रॉबिन वही सिर पकड़कर बैठ गया। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? अमरेंद्र, मेरे प्यारे अमरेंद्र, क्या हुआ तुम्हें? सम्मोहन में बंधे रॉबिन ने अचानक तलवार उठाई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बचाओ, बचाओ! बाहर खड़े पहरेदार चीख सुनकर भागे हुए आए और तभी महारानी का शेर रॉबिन के ऊपर टूट पड़ा। ये देखकर हामिद वहाँ से भाग निकला। तभी रॉबिन की तलाश करते हुए जुम्बा वहाँ आ पहुँचा। शेर रॉबिन पर झपटता, उससे पहले ही जुम्बा ने एक लंबी उछाल भरी और कूदकर शेर पर सवार होकर बाएं हाथ से शेर की गर्दन अपनी गिरफ्त में ले ली और दाएं हाथ से उसके सिर पर मुक्के मारने लगी। कुछ ही देर में शेर निढाल होकर उसके कदमों में बैठ गया। आश्चर्य है, तुमने तो इसे कुछ ही देर में काबू कर लिया। जंगल का कोई जानवर मेरा आदेश मानने से इनकार नहीं कर सकता। उधर हामिद अपने कक्ष में भागा और कुछ तांत्रिक क्रियाएं करने लगा। तभी क्या हुआ? मेरी योजना तनिक गड़बड़ा गई। उस अजनबी पर मेरे सम्मोहन का असर शायद कुछ कम हुआ था। महारानी बच गई, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर हामिद अपने कक्ष से बाहर निकल गया। मेरा सिर क्यों चकरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक बहुत सारे सैनिक हाथ में भाला लिए हुए उस कक्ष में घुस गए। उन्होंने सबको घेर लिया, चारों को महारानी के सामने पेश किया। इन्होंने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया था। जंगल के राजा जुम्बा, तुमने हमारे साम्राज्य में अवैध रूप से प्रवेश कर अपराध किया है। अब तुम्हारी जिंदगियों का फैसला मौत के अखाड़े में ही होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। सभी सैनिक उन सब को लेकर अखाड़े की तरफ बढ़ गए। जुम्बा, अब क्या होगा? होगा क्या, अब तो मुकाबला करना ही होगा, चाहे जिए या मरे। सबको मैदान में लाया गया। लोगों की भीड़ लगी थी, सब तमाशा देखने के लिए खड़े थे। शेरों के पिंजरे खोल दिया जाए, ये घुसपैठिए हैं, इन्होंने महारानी को मारने की कोशिश की है। पिंजरा खुलते ही दहाड़ते हुए दो शेर चारों कैदियों की ओर दौड़ पड़े। जुम्बा पहले ही तैयार था, उसने अपने शिकारी चाकू शेर के पेट में घुसा दिया। चाकू उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल गया, वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा रॉबिन पर झपटने ही वाला था कि उसके पहले जुम्बा ने बिजली की तेजी से उसके मुंह में अपना चाकू भोंक दिया। शेर को बिना कोई मौका दिए उसने शेर का भेजा फाड़ दिया। दोनों शेरों का काम तमाम हो गया था। भीड़ जुम्बा के नाम के नारे लगाने लगी। जुम्बा, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं। अब तुम हमारे सम्मानित अतिथि हो। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सभी आरोपों से मुक्त करते हैं। धन्यवाद महारानी, लेकिन पहले आपके इस हामिद से भी मुलाकात कर लूं। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? ये सारा षड्यंत्र तुम्हारा रचा हुआ था। महारानी को तुम मारना चाहते थे, असली मुजरिम तो तुम हो। बकवास बंद करो, तुम मुझसे नहीं बच सकते। हामिद ने निशाना साधा और जुम्बा की तरफ फेंक दिया, किंतु जुम्बा बड़ी फुर्ती से वहीं बैठ गया और भाला ताहिरा की छाती में जा लगा। अपनी प्रेमिका का ऐसा अंत देखकर हामिद हतप्रभ रह गया। उसने क्रोध में आकर सम्मोहिनी संकेत शुरू कर दिया। लो, अब बचो तुम सब। उसके हाथ से गहरा धुआं निकलने लगा और पूरे कक्ष में अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे का लाभ उठाकर हामिद वहां से भाग निकला। जुम्बा, तुम्हारे कारण मेरी प्रेमिका मारी गई, अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। जब अंधेरा कुछ छटा तब जुम्बा, वो दुष्ट तो भाग निकला, चलो उसका पीछा करते हैं। वो अब हमारे हाथ नहीं आने वाला है। जुम्बा, तुमने हमें मौत के मुंह में से निकाल लिया, हम कैसे तुम्हारा धन्यवाद करें? महारानी, ये तो हमारा फर्ज था। अब आप निश्चिंत होकर यहाँ पर राज करें और हमें इजाजत दें। महारानी ने उन्हें ढेर उपहार दिए और सम्मान पूर्वक राज्य की सीमा तक भेजने का प्रबंध कर दिया। जुम्बा के कारण मारिया को अपने पिता और मंगेतकर दोनों मिल गए, साथ ही महारानी के मार का कांटा हमेशा के लिए दूर हो गया।
जुम्बा पुनः अपने जंगल वाले घर पहुंच गया।